हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। ये है डे नंबर 10 ढोलकपुर का। और पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं इस वाली माइन के अंदर आया हुआ हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक माइन है। और मुझे पिछली बार यहाँ आयरन मिला था। और इस वीडियो के अंदर हम दो माइन शाफ्ट और एक रिवीन और खतरनाक वाली लूट को लूटने वाले हैं। एंड मैं आपको पूरी लूट में दिखाऊंगा। एंड हाँ, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लो एंड एंजॉय द वीडियो, बहुत मजा आने वाला है। सो गाइज, मेरे को यहाँ पे एक और माइन शाफ्ट दिखे उस तरफ, लेकिन वहाँ जाने से पहले यहाँ पे जो थोड़ा सा आयरन है उसे लूट लेते हैं, उसके बाद वहाँ चलेंगे। सो गाइज, मैं इस वाली माइन शाफ्ट में तो आया, बट यहाँ देखो। भाई इन तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। सो गाइज, उसके बाद वहाँ कुछ ना मिलने के बाद मैं यहाँ पर आया इस वाली माइन को आगे एक्सप्लोर करने के लिए। मैंने यहाँ ब्लॉक लगाया और इन ज़ॉम्बीज़ को लगा कि मैंने इनके लिए ब्लॉक लगाया है ताकि ये मेरे को मारने के लिए आ सके, लेकिन मैंने एक को नीचे गिरा दिया, दूसरे को मार दिया। यहाँ साले को बम से उड़ा दूंगा। बचता नहीं हूँ, मतलब इसको मारता नहीं हूँ, इसको फूटने देता हूँ ताकि आसपास के मॉब्स भी मर जाए। लेकिन यार, मैंने यहाँ पे शील्ड लगा रखी थी, उसके बावजूद भी ज़ोंबी मेरे को मारे जा रहा था पता नहीं कैसे, और पीछे स्कैली और तंग करने आ गया था, तो मैंने उसको भी निपटा दिया। सो गाइस, जब मैं यहाँ आगे की तरफ आया था, नीचे की तरफ फिर से माइन जा रही थी, लेकिन ये भी शुरू होते ही खत्म हो गई। लेकिन फिर यहाँ पे मैं वापस आ रहा था, यहाँ पे मेरे को बहुत सा आयरन दिखा और ये आयरन खत्म ही नहीं हो रहा था। यार गाइस देखो, ये थोड़ा इसके पीछे और निकल गया है, इसको थोड़ा इसके पीछे और निकल पैसा ही पैसा होगा। क्या गया। बहुत सारा आयरन मिला यहाँ पे, तो यहाँ से आयरन कलेक्ट करने के बाद मैंने सोचा यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ को खोदते हैं, क्या पता माइन निकल जाए अच्छी वाली, लेकिन नहीं निकली थी, तो मैं यहाँ से उल्टा पैदल हो लिया, मतलब उल्टा वापस हो गया। सो गाइस, थोड़ा सा माइन में आगे आने के बाद यहाँ मुझे ऊपर आयरन दिखाई दिया था और साइड में खतरनाक ही माइन थी, उसके बाद यहाँ पे लावा था और यहाँ साइड में गोल्ड था, और ऊपर भी आयरन था और नीचे भी आयरन था। देखो ये रहा आयरन, ठीक है, तो इसको लूटने के लिए पहले लावा को बंद कर देता हूँ मैं, मतलब पहले लावा को बंद करना था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बिल्ड करा। हाँ, मुझे पता है साइड से ज़ोंबी आ रहा है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैंने लावा बंद करके मैं 2 ब्लॉक की हाइट पे गया, और उसके बाद मैंने ज़ोंबी को पेला, टूट, हाँ, उसके बाद मैंने ज़ोंबी को पेला, और उसके बाद फिर मैंने आयरन और गोल्ड दोनों को लूट लिया। उसके बाद फिर मेरे टूल्स देखो बिल्कुल खत्म होने वाले हैं, तो मैं टूल्स बनाने के लिए एक छोटा सा रूम बनाया। सो गाइस, उसके बाद यहाँ पे आके मैंने अपने आप को कवर कर लिया और उस चारों तरफ से, ताकि ऊपर से कोई भी क्रीपर, ज़ोंबी या स्केली मेरे ऊपर ना आए, ठीक है, मेरे ऊपर ना कूदे। और दूसरा, यहाँ पे चिपचिपे से पदार्थ वाले कुछ थे बंदे जो पुच पुच कर रहे थे सामने, देखो ग्रीन ग्रीन कलर के, इनको शायद स्लाइम बोलते हैं, और इनको मारने से हमें वो हरी हरी बॉल मिलती है जिससे हम स्टिकी पिस्टन बनाते हैं। तो मैंने जल्दी से यहाँ पे अपनी क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस को भी रख लिया, एंड उसके बाद मैंने अपना आयरन स्मेल्ट करा ताकि मैं अपनी तलवार और अपनी नई पिकेक्स बना सकूँ, तक क्योंकि आगे भी माइनिंग पे जाना था। तो गैस, बहुत ज़्यादा माइन को एक्सप्लोर करने के बाद मैं यहाँ नीचे की तरफ आया, यहाँ पे मेरे को 2 ढोल भोलू मिले जिनको मैंने मार दिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ आगे टॉर्च लगाई तो आगे खतरनाक वाली माइन दिखी मेरे को, नीचे आयरन था और उस तरफ थे शार्ड। तो मैं पहले शार्ड की तरफ को गया क्योंकि मेरे को शार्ड भी चाहिए थे, क्योंकि मुझे दूरबीन बनानी थी जिसका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी बना लेते हैं। और लिटरली इस वाली वीडियो के अंदर मेरे पास बहुत ज़्यादा आयरन इकट्ठा हो गया था, इस जगह पे मेरे को बहुत ज़्यादा आयरन मिला था। फिर मैंने वो सारा का सारा आयरन लूट लिया, और इस सारे के सारे आयरन को लूटने के बाद मेरे को मिली एक नई माइन शाफ्ट जहाँ पे क्रीपर अटका हुआ था, और फिर मैंने उसको दोबारा से फटका मार के अटका दिया। और उसके बाद जैसे ही मैं उसके पास जाने लगा और वो मेरे ऊपर फट गया आके, देखो ये ऐसे उसके बाद उसने अच्छा करा कि ये जो स्पॉनर था इसके आसपास के जाले हटा दिया, और मैंने स्पॉनर तोड़ दिया और मैं पॉइजनस स्पाइडर से बच गया, ये अच्छा काम करा उसने। उसके बाद फिर मैंने इस माइन को आगे एक्सप्लोर किया, एंड एक्सप्लोर करने के बाद मेरे को यहाँ से भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया लूट मिली, ठीक है। और मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप बोर हो सकते हो, तो इसलिए तो इसको जल्दी स्किप करते हैं पार्ट को, एंड सीधा मैं आपको मिलता हूँ इस पार्ट को स्किप करने के बाद। सो गाइस, माइनिंग में बहुत ज़्यादा दिन तक माइनिंग करने के बाद मैं अपने घर फाइनली वापस आ गया था, और काफ़ी समय बाद मेरे को अपना घर देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। भाई साहब, क्या मस्त घर है मेरा, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है वो आप कमेंट में बता देना, मेरे को तो अच्छा लगता है,
क्योंकि ये मैंने मतलब नॉर्मली ऐसे बना दिया था, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास पहले तो ये देखो कि सामान कितना है, 6 5 5 स्टैक, लगभग 6 स्टैक ही मान लो, 6 स्टैक आयरन हो गया, ठीक है, 7 डायमंड हो गए, लैपिस भी अच्छा खासा मिल गया था। रेडस्टोन का मैंने एक ही स्टैक लिया था क्योंकि इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है मेरे को। तो उसके बाद क्या, बस इसको मैंने पकाने के लिए फर्नेस बनाने थे, तो मैं सोच रहा था कि एक स्मेल्टिंग रूम बना लेते हैं अलग से, जिसको जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ, क्योंकि उसको भी बहुत ज़्यादा सुंदर बनाने वाले हैं हम। तो उसकी वीडियो ज़रूर देखना जो नेक्स्ट होने वाली है। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पहले वाली वीडियोस को देखने के लिए थोड़ा सा मत वेट करना, यहाँ स्क्रीन पे देख रही होंगी, टच कर दो एंड देख सकते हो फिर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। माइनिंग करके थक गए यार, अब सो जाते हैं, कल को मिलते हैं गाइस, बाय बाय।